वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मेरी जगह सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। और जी बताएं। अच्छा जी, ये मैंने बताना था कि ठंड तो हो नहीं रही इतनी खास, जितना पहले एक महीने तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, बारिश होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आ गए ट्यूशन से? आज तो लेट छुट्टी होगी आपको। बैग ऊपर ले ना बेटे। मम्मा पैसे दे, मैंने केस लाने। यार तुम लोग तो बिल्कुल एक किस्म से हाथ कर। ये हमारी मम्मा का प्यारा पैर है। ले लो गोली, ले लो गोली, ले लो। अच्छा ले लो ऐसे, आराम से ना ऐसे। बाय बाय। जो भी आप जी बेटा, जी जी उसको टीवी लगा के दी, साथ खेले ठीक है। मैं किचन में आपके लिए चाय बना रही हूँ, साथ स्नैक्स बना के दूंगी ठीक है। खाते बच्चों के लिए चाय के साथ कुछ ना कुछ देते हैं, कभी सैंडविच, कभी ये सूजी की जो मैदा और सूजी की टिक्कियाँ बनती हैं मीठी, वो मैं गट्ठे बना के रख देती हूँ क्योंकि बच्चे लेते हैं चाय के साथ शाम को। कभी ले लेते हैं, कभी बच्चों के मूड की बात है। ये मैं अभी चाय के साथ तैयार करके दूँगी उनको। मैंने यहाँ पर रख दिया, अब इसको मैंने ये थोड़ी हार्ड 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 है ये शेप के लिए ना इसकी, ये क्योंकि बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी फिर वो बच्चे पसंद करते हैं। अगर इसको ना स्टार में शेप दे दो, हार्ट वाली, या इस तरह की फ्लावर में या गोल में, फिर बच्चे लाइक करते हैं। बन गया हार्ट में ये फ्लावर शेप में और ये गोल शेप में। अब इस तरह ये जो बच गया ना, तो इसको फिर मैं दोबारा वो करूँगी। फिर मैं इसको चाय भी तैयार हो गई है क्योंकि बच्चे अकेडमी से आते हैं ना, फिर खाने को कुछ ना कुछ मांगते हैं। आज सैंडविच नहीं बनाई तो आज मैंने इनको ये बना दिया। कभी मैकरोनी, कभी सैंडविच, कभी पकाना, क्योंकि इसका कलर देखिए अच्छा आ रहा है। अगर आँच तेज़ होगी ना, फ्लेम अगर तेज़ करेंगे ना तो कलर तो आ जाएगा मगर अंदर से ये कच्चे रहेंगे। मैंने ना स्लो फ्लेम पे ये बना लिया। कढ़ाई थोड़ा छोटी है क्योंकि वो फ्राइज वाली लैदर रखी हुई है, और ये इसके लिए मैंने लैदर रखी हुई है, पकौड़ों के लिए लैदर, फिर वो ना मिक्स हो जाए तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। स्टार्ट है। आपकी कौन सी है? मेरी स्टार वाली है। अच्छा चलो आप ले लेना, कोई बात नहीं। हार्ट वाली है ना, हार्ट शेप वाली है। आपने कौन सी लेना है इसमें से? इसको क्या कहते हैं? स्टार है। स्टार शेप में। और ये दिल। ये शर्कर। चलिए मैं आपको ना चाय बेटे, ऐसे आप इसको कब हो बेटे, इसको ऐसे जोर से दबा दी, जोर से ऐसे। अब इसको निकाल ली। चलो जी, ये मेरी उड़वा ने बनाया है, बहुत अच्छा बना है। चलिए बस अब ये ना, अब मैं दिल वाला बनाऊंगी। नो बेटा बस 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 गाइस, मैं आपको दिल वाला बनाऊंगी, आपको खाऊंगी। फिर कैसे करते बेटे? आपने इसको छोड़े ना बेटे, मैं आपको बताऊं। मोर मुझे दो ना ये बेटे। ठीक है मम्मा, मैं समझ गया। चलिए इसको आप दबा दें, जोर से दबा दें ऐसे। अटे हाथ उठाएं, इसको जोर से ऐसे करना पड़ता है। आप आते टाइम बेटे, वाओ ये तो मेरी उड़वा कितना प्यारा। अब ये चल ले इसको। अच्छा जी, इसको ऐसे आराम से, आराम से ऐसे, आराम से ना बेटे, आराम से। बस अभी थोड़ी सी रह गई है, बन के तैयार होती है कॉफी। और आप मेरी बेटी, कितना प्यारा कलर आया है, वो इतने ही मजे खेंगे। चाय मेरी तैयार होगी इसके साथ। So yummy, so delicious, so tasty. Just looking at the box, I'll just take it.
क्या कर रहे हो? ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं लाई थी कल, मैं बाजार गई थी तो बच्चियों के लिए। एक ये ब्लैक वाला, ये भी गर्म स्टफ है, ये है जी मेरा ख्याल मरीना है गर्म वाला। ये मैंने ब्रांड के कट पीसीस बच्चियों के लिए लिए थे। और ये वाइट वाला, ये तो मैंने अपना लेना था मगर मुझे अपने लिए नहीं मिला। बहुत प्यारा, बहुत प्यारे खद्दड़ के ऊपर बना हुआ है। ये मैंने इसलिए लाइट कलर लिया है क्योंकि बच्चियों के स्कूल में मिलाद वगैरह होता है और कोई फंक्शन होते हैं तो फिर उनको वाइट के साथ दुपट्टा डिफरेंट ले सकती हैं, जैसे ग्रीन ले सकती हैं फंक्शन वगैरह पे स्कूल में ना। फिर मैंने ना काफ़ी टाइम से ना वो बच्चियों के बनाए नहीं वाइट कलर के, इनके बच्चों को ज़रा अच्छे लगते भी नहीं वाइट। फिर स्कूल के फंक्शन के लिए मुझे ये पसंद आया तो फिर मैंने कहा चलें इसके साथ दुपट्टा डार्क ले लेंगी बच्चियाँ, रेड या ग्रीन। ये बहुत प्यारा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे ना अपनी शर्ट नहीं मिली, ये ना बहुत जल्दी से ना वो कह रहे हैं कि बिक गए। ये देखें कितनी प्यारी है, इसके ऊपर बहुत प्यारा काम हुआ है। ये अच्छा और मोटा स्टफ भी है, फैंसी में भी आ रहा है। जो छोटी है ना वो सेम पहनती है, एक ही तो शर्ट बन रही है और एक ही फ्रॉक बन रही है। अब मैं ये दूंगी टेलर को तो वो बताएंगे कि ये क्या बनेगा। और एक इसके साथ मैं एक का गोल्डन ट्राउज़र लूँगी और एक का ऑफ वाइट साथ, क्योंकि ये स्कूल के लिए भी अच्छा है, फंक्शन में पहनने के लिए ठीक है, स्कूल फंक्शन के लिए जैसे मिलाद वगैरह पे और उनके कलर डे भी होते हैं तो उस लिहाज से एक का ग्रीन दुपट्टा लगा लूँगी, एक रेड है। तो छोटे दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है मगर स्कूल में जब फंक्शन होते हैं तो फिर वो बच्चियों को होता है कि हम दुपट्टा लेंगे। और एक दूसरा वाला था ये वाला, ये तो हो गया ऑफ वाइट में, और दूसरा ये ब्लैक है। ये पूरी ये बनी हुई है जी कलियाँ हैं, ये बनी बनाई कटी हुई थी, सिर्फ इसको मैंने अटैच करवाना है। इसके ऊपर भी इतना प्यारा गोटे का काम हुआ हुआ है, ये देखें करीब से देखें ना तो फिर नज़र आता है। और इसका स्टफ बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे इसके साथ ना कपड़ा नहीं मिल रहा ब्लैक, हालांकि कॉमन कलर है ना मगर ना थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये ब्लैक शाइन वाला है, डार्क ब्लैक है तो इसके साथ मेरी मैचिंग नहीं हो रही, सिर्फ कलियाँ अटैच करनी है। ये देखें कितनी अच्छी कलियाँ कटी हुई बनी हुई है सारी। ये ना जैसे ये शोल्डर इस अटैच होगा साथ, फिर या तो फिर मैं सारी कलियों को जोड़ के फ्रॉक बना लूँगी या फिर कपड़ा, बस बैक पे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितना प्यारा है इसका ना, इसके ऊपर जो फैंसी काम हुआ है ना बहुत प्यारा है। वैसे बच्चे इस तरह के कपड़े काम भी पहनती हैं, जीन्स वगैरह या ये आम दिनों में तो यही चलता है, बट जब कभी बच्चों का दिल करे तो फिर मैं बनवा के रख लेती हूँ। कभी कभार ना फ्राइडे वाले दिन मैं उनको कहती हूँ इस तरह के कपड़े पहन लिया करें, नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो। अभी बच्चियाँ छोटी हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना कलियाँ, आजकल कलियों का इतना फैशन तो नहीं है मगर मैं उनका ना सोच रही हूँ कि ये मुझे अच्छी मिल गई थी। ये भी ब्रांड के कट पीसीज है ना, कट पीसीज में मुझे ये इतनी ज़्यादा बच्चों को टेस्ट की करा रही हूँ तैयारी। वैसे अकेडमी से पढ़ रही हैं? मैं अकेडमी से ऐसी पढ़ ली हूँ, अब यहाँ आगे भी करी क्योंकि मुझे भूल ना जाए क्योंकि सुबह मेरे असेसमेंट है तो इसको रिपीट करें ना, पहले रिवीजन करें, स्पेलिंग देखें, क्लिक ऑन द मम्मी द स्पेलिंग याद करें, नहीं अभी नहीं एग्जाम नहीं याद होता, अभी द स्पेलिंग याद करें, क्लिक ऑन द मिस्टेक ना हो, चेक करें एक मिनट। ये मेरा गलत है क्या? ये मेरा सही है क्या? ये मैंने डोंजी की थी। वाओ ये तो क्रॉस है बेटा, ये गलत है, ये 5 अच्छा वाओ वेरी गुड, 5 से 5 ही नंबर आए हैं मम्मा मेरे, वेरी गुड। नहीं नहीं बेटे 5 और 4 आपको इतने अच्छे नंबर आते हैं, ये मुझे देखने देना बेटा। स्टॉप, चलो कॉपी ख़राब तो नहीं की मगर, नहीं बहुत अच्छी बच्ची, इसने कॉपी तो ख़राब ही नहीं की मम्मा, मैं मेरी बुलवा तो बिल्कुल ख़राब नहीं करती कॉपी। अच्छा जी ये बैक काउंटिंग है, ये भी ठीक किया आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। याद कर लो, याद की याद थोड़ी ना किया जाता बेटा, मैथ को याद किया जाता है। Click on the subscribe button in the friend group of the home and group of the home. मैंने डाला है सारा ना, ये पेन आपकी
आप क्लास में पहन चलती हैं बेटे? मम्मा ये लेके जाती मैं स्कूल पे, नहीं लेके जाती हूँ ना। अभी ब्रेक नहीं तो पढ़ती हो आप? किस चीज का टॉपिक क्या होता है? इंग्लिश एंड राइटिंग कंपटीशन। डू यू रिमेंबर रीडिंग? अच्छा, और हम तो करो ना राइटिंग और ज्यादा अच्छी करें। ये माय हॉबी का मैंने खुद से ऐसे लिखा है, पढ़े। माय हॉबी इज रीडिंग। रीडिंग हैज बीन माय हॉबी। अच्छा, ये देखो वर्ड्स क्यों ऐसे लिखे हुए हैं? इंक नहीं थी क्या? नहीं था ये इंक पेन से लिखे लिखा है या पॉइंटर से? इंक पेन से। वो जो वाइट चाइल्डहुड। अच्छा, देयर इज अ स्मॉल लाइब्रेरी इन माय स्टडी रूम। वेरी गुड। आपने